अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी नासिफ। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्विक सा 5 मिनट मेकअप लुक लेकर आई हूँ, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। आईब्रोज को शेप अप कर लिया है और क्रिस्टीन का मैंने 02 नंबर का कंसीलर से अपनी आई को सेट कर लिया है। ब्यूटी वर्ल्ड का मैंने 3D यहाँ पे लिक्विड आईलाइनर यूज़ किया है और अपने कॉर्नर से मैंने एक लाइन क्रिएट की है। अपने आई लिड के साथ साथ मैं इसको आउटर के साथ ला के अटैच कर दूँगी। जिस शेप के अंदर मेरी आई लिड है, इसी शेप के अंदर मैं इसको रखूँगी और आउटर के साथ इसको अटैच कर दूँगी। अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी इसी लाइनर के साथ। पूरी मैं अपनी आई लिड को ब्लैक के लाइनर के साथ फिल कर दूँगी। बहुत क्विक मेकअप, झटपट होने वाला और बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सा आई मेकअप बहुत ही इजी मेथड के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। देखिए, मैंने पहले एक रफली सी लाइन क्रिएट कर ली थी अपनी आई लिड के साथ और अब मैं इसी लाइनर के साथ इसकी पूरी मैं फिलिंग कर दूँगी। पूरी आई लिड के ऊपर मैं ये ब्लैक आई लाइनर अप्लाई कर लूँगी और इसके बाद एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं इसको सेट कर लूँगी लाइट सा। फ्लैट ब्रश की मदद से इसको सेट करने के बाद मैं ब्लैक आई शेड लूँगी और इसी ब्रश को यूज़ करते हुए मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। देखिए, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का आई शेड पूरी अपनी आई लिड के ऊपर जो हमने आई लाइनर की एप्लीकेशन की थी उसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है। अब मैं नेकेड 4 की पैलेट यूज़ करूँगी। उसमें डार्क ग्रीन कलर का वेलवेटी शेड है वो मैं लूँगी अपनी फिंगर की मदद से, क्योंकि वेलवेटी शेड फिंगर की मदद से बहुत ईजी और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं, ब्लेंड भी हो जाते हैं हाथ के हाथ। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको अपनी फिंगर की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। अपनी हाफ आई लिड के ऊपर तक ही मैं इसको लगाऊंगी और पूरा आउटर तक नहीं लेकर जाऊंगी। आउटर के साथ मैं फिर दोबारा से ब्लैक कलर लूँगी और इस ग्रीन की ब्लेंडिंग कर दूँगी। यहाँ पे मैंने देखें फिंगर की मदद से बहुत अच्छे से इसको सेट कर लिया है। वेलवेटी शेड फिंगर की मदद से बहुत अच्छे ब्लेंड भी हो जाते हैं और सेट भी बहुत ईजिली हो जाते हैं। अच्छे से सेट करने के बाद अब ब्लैक कलर मैंने लिया है, ब्लैक आई शेड अपने आउटर के ऊपर रखा है और ग्रीन के साथ इसकी ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि एक कलर में से दूसरा कलर निकलता हुआ नज़र आए। इसके बाद कंसीलर की मदद से मैंने अपने आउटर से लाइनर जो लगाया था उसको मैंने फिनिश लुक दिया है और नीचे से अपनी आई लिड को मैंने नीट किया है उसी कंसीलर के साथ, क्रिस्टीन के और शेड्स ऑफ ब्यूटी का ब्लेंडिंग ब्रश यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ब्लेंडिंग के लिए। क्रेलॉन का केक लाइनर यूज़ किया है। लाइनर की एप्लीकेशन करूँगी। बहुत क्विक और बहुत सिंपल आई मेकअप है लेकिन देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल सा। सिर्फ यहाँ पर मैंने 2 शेड यूज़ किए हैं, ब्लैक और ग्रीन, और लाइनर के साथ मैंने टोटल मेकअप किया है। नीचे से लाइनर की एप्लीकेशन करूँगी। वाटर लाइन के नीचे से आउटर से थोड़ा सा मैं चौड़ा रख के हाफ वाटर लाइन तक लाइनर ला के रोक दूँगी और इनर से देखें मैं दोबारा इसको नीट कर रही हूँ अपने आउटर के साथ। और इसके बाद जो मैंने ग्रीन शेड लगाया था उसी फैमिली का मैट मैंने ग्रीन शेड लिया है और ब्लैक जो मैंने वाटर लाइन के नीचे आईलाइनर लगाया है उसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से ताकि एक सॉफ्ट सा लुक आए। बहुत कम प्रोडक्ट के साथ आज का मेकअप लुक है और 5 मिनट के अंदर झटपट हो जाने वाला। और जो मैंने हाफ अपनी वाटर लाइन छोड़ दी थी वहाँ पर देखे वही ग्रीन आई शेड मैंने अप्लाई किया है और ब्लैक के साथ मैं इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का मेकअप लुक आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, स्पेशली बिगनर्स के लिए। और लाइनर मैं अपने इनर से थोड़ा सा बाहर निकालूंगी और इसके बाद टियर डक को और अपने ब्रो बोन को मैं हाईलाइट करूंगी। नेकेड के ही पैलेट से लाइट गोल्ड सा मैंने शेड लिया है और इसको अच्छे से अपने ब्रो बोन के नीचे भी अप्लाई करूंगी। फिंगर से थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी। मुझे फील हो रहा था कि जैसे ही जम सा गया, स्टक हो गया एक जगह। फिंगर की मैंने हेल्प ली है और फिर ब्रश के साथ नीट किया है इसको अच्छे से। क्रिस्टीन की वाइट स्टिक यूज़ कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन के अंदर। आप चाहें तो इस लुक के अंदर ब्लैक भी लगा सकते हैं काजल, इट्स अप टू यू। आई लैशेज को अपने कर्ल करूँगी मस्कारा लगाने से पहले, क्योंकि बहुत ईजी पीजी सा मेकअप है बहुत कम स्टेप के साथ। तो मैंने यहाँ पर आज अपने आई लैशेज को कर्ल कर लिया पहले और बॉब का मस्कारा यूज़ करना है जी अच्छे से भर भर के अपर और लोअर आई लैशेज के ऊपर। इसके बाद मैं यहाँ पर 3D आई लैशेज यूज़ करूँगी मैक्स फैक्टर की और यहाँ पर हमारा लुक होता है कम्प्लीट। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा मेरा आज का मेकअप लुक। आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा
ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का लुक अच्छा लगा होगा आप लोगों को। मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो कीजिए, लिंक आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।